কিলোমিটার চলে গেছে। ওকে, তো হ্যালো এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ ফর দ্য স্টপিং ইয়ার, দিস ইজ ইয়ার চ্যানেল ফিজিক্স উইথ ইজ। তো কি এজ ইউ নো উই আর ডিসকাসিং অ্যাবাউট ফার্স্ট চ্যাপ্টার অফ দ্য ফিজিক্স, ইলেকট্রিক চার্জ এন্ড ইলেকট্রিক ফিল্ড। So this is a part 7 of this. If you haven't seen that the previous six video, so first see that video and then come to this, because we have done a lot of things in that. Means the whole chapter is covered in this. This is the last topic with parts in the part 7 and this overs our chapter. And so I request you to see that parts that's previous video. So this is a part 7 and in this video we are covering the topic, the electrical flux, the Gauss theorem and its application. A very 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 important video it is, because many questions can come from this topic. So if let's start this class. Okay, so what is Gauss theorem? Ab dekhiye, abhi na Gauss theorem di thi Gauss baba ne kya kiya tha ki jo electrical flux hota hai वो कोई सरफेस से जो लिंक होता है, क्लोज सरफेस। अब आप पहले एक दिन में एक अपने माइंड में ये बात बिठा के रख लीजिए कि जो गॉस थ्योरम थी वो सिर्फ एप्लीकेबल है क्लोज सरफेस के लिए। तो हमारे जो उन्होंने हमारे बोला था कि जो गॉस बाबा थे, उन्होंने बोला था कि जो टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है, जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है जो पास हो रहा है वो क्लोज सरफेस में, वो होता है किसके बराबर, चार्ज अपन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये हमारे गॉस बाबा ने बोला था। मगर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है आपके माइंड में आ रहा होगा। तो पहले हम ये गॉस थ्योरम के पहले हम इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या है हम जो उसको देखेंगे कि होता क्या है, क्योंकि हमें रट्टे पे नहीं जाना, हमें रटना नहीं है, क्योंकि आप फिजिक्स आप समझ के पढ़िए, आपको इस ये बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, तो हम इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को क्या कहते हैं कि एक टाइप ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या है, टाइप ऑफ एनर्जी है। क्या टाइप ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। आपको पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस क्या होती है, अगर ये पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पॉजिटिव से इमर्ज होती है। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि यूनिफॉर्म होती है कि नॉन यूनिफॉर्म होती है। अगर जनरल के अंदर नॉन यूनिफॉर्म होती है, अगर यूनिफॉर्म होंगी तो एक नॉन यूनिफॉर्म कैसी होती है कि सभी डायरेक्शन में वो प्रोपोगेट करेंगी, तो वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है वो अगर कोई सरफेस से लिंक होती है उसको ही कहते हैं इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। अब जैसे आपको मैं आपके लिए एक वो बताता हूँ। अब मानिए ये रूफ है जो हमारा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, वो जो हमारा ये लैंड है इसमें नेगेटिव साइन है, ठीक है। अब आप मुझे खुद ही बताइए कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है उनका डायरेक्शन क्या है। ईजी है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, पहले की वीडियो में आप पता ही कर चुके इस बात को। तो इस जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, मीन्स डाउन टू अर्थ जा रहा है, ठीक है। अगर अब मेरे पास ये बॉक्सी है बता नहीं, अगर मैं ये बॉक्स को, ये देखिए ये बॉक्स को मैं अगर इसको ऐसे प्लेस करता हूँ, फर्स्ट कंडीशन आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा, और सेकंड कंडीशन इसको वर्टिकली यूँ प्लेस करता हूँ। तो आप बताइए कि फर्स्ट कंडीशन में जो मैंने बॉक्स को यूँ रखा था और सेकंड कंडीशन में जो यूँ रखा था, तो उन दोनों में से जो हमारा क्या होगा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा वो काई में ज़्यादा होगा। आप इजिली कह देंगे कि फर्स्ट वाले में, आप क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें जो सरफेस एरिया था ज़्यादा था, मीन जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जो इससे स्ट्राइक कर रही थी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस वो ज़्यादा कर रही थी, काई की वजह से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इस पर स्ट्राइक कर रही थी, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बड़ा था। और सेकंड केस में कहता कि इसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत कम है, मीन्स कुछ होते इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हम कह सकते हैं जीरो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इससे स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। अब हमने ये चीज़ समझ ली, तो ये क्या होती है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है टाइप ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस लिंक विद द सरफेस। अब दूसरा पॉइंट है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ EM, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट भी ये है। अब स्केलर प्रोडक्ट क्यों लिया, रखना नहीं है, समझना है, EM है कि स्केलर प्रोडक्ट। हाँ, उससे भी एक चीज़ और बताना जरूरी है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी, या आपको आप साइंस के स्टूडेंट हो, 12th साइंस के, तो आपको तो ये पता ही होना चाहिए कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन होता है, जो एरिया का डायरेक्शन होता है वो होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या फिर वो आई साइड पर भी डिपेंड होता है। मीन्स ये मेरा सरफेस है, अगर मैं उसको ऊपर से देख रहा हूँ तो इसका ये परपेंडिकुलर ये होगा एरिया, या फिर आइट साइड पे भी डिपेंड होता है, जब ऊपर से देख रहा हूँ तो इसका एरिया ये हुआ, वही परपेंडिकुलर हुआ, अगर मैं डाउन से देख रहा हूँ तो इसका एरिया ये हुआ, ठीक है। अब स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो देखिए अब दो टाइप के प्रोडक्ट होंगे, एक होगा ईए कॉस थीटा और एक होगा ईए साइन थीटा। अब इसमें अपन कॉस थीटा लेंगे साइन थीटा ना, साइन थीटा क्यों नहीं लेंगे और स्केलर प्रोडक्ट क्यों है, ये इसका आंसर है। कहीं भी आप देखिए एक, अब वो एक एग्जांपल आप कंसीडर करिए कि वही वाला जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ऊपर से नीचे जा रही है, हमने वो बॉक्स को रखा है, सरफेस को ऐसा रख दिया। अब देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड है यूँ जा रही है, हमने बॉक्स को यूँ रख दिया, एक बार यूँ रख दिया, तो अब हमारा जो एरिया है वो ऐसा हो गया, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स भी यूँ जा रही है, मतलब एरिया भी यूँ है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स भी यूँ जा रही है, जो एंगल बना कितना बना 0 डिग्री, ये हमारा फर्स्ट केस,
जीरो डिग्री। अब दूसरा केस क्या है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस का डायरेक्शन तो यही है, अब हमने जो सरफेस है उसे ऐसा रख दिया ऐसा, तब ये इसका डायरेक्शन ऐसा होगा, इसका ये होगा, तो कितना होगा 180 डिग्री, ये हमारा दूसरा केस है 180 डिग्री। तो अब दो केस आ गए, 0 डिग्री और 180 डिग्री। अब क्लियरली कह सकते हैं 0 और 180 डिग्री पे किसकी वैल्यू मिलती है हमें, कॉस की मिलती है, साइन की नहीं मिलती। तो इसके वजह से जो ई ए कॉस थीटा होगा हमारा स्केलर प्रोडक्ट, इसके वजह से हम इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो आप जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो जाएगा फाई, जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 इज 1, तो जो फाई इज इक्वल टू ई ए, तो ये इलेक्ट्रिकल फ्लक्स आ गया। अभी आप डायग्राम को समझ लीजिए, वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, और कुछ नहीं है। हमारा कैमरा बार बार बंद हो जाता है भैया, हमें चेक करना पड़ता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो फील्ड लाइन्स है वो ऐसी जा रही है, और जो हमारा सरफेस है हमने कुछ बॉक्स को ऐसा रखा, मतलब वो भी इसका सरफेस का जो जो हमारा जो सरफेस है वो भी इस तरह डायरेक्शन में, मतलब जो इन दोनों का बीच में जो अपना एंगल बन रहा है वो बन रहा है 0 डिग्री, और कॉस 0 होता है 1, नहीं जो हमें यहाँ पे हमें वो मिलेगा ई ए इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। ठीक है, इस कंडीशन में ये बॉक्स कुछ ऐसा रखा है, मीन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स यूँ जा रही है, और ये बॉक्स कुछ ऐसा रखा है कि ये जो इसका एरिया आ रहा है, जो इसका एरिया का जो डायरेक्शन है वो कुछ आपकी तरफ है, तो बाहर निकलता हूँ, मतलब जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री, और तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा वो होगा 0। तो ये हमारे दो केस थे, तो आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को। फिर हम पढ़ते हैं आगे गॉस थ्योरम। तो ये हमें मैंने बहुत इसको समझा कि ये समझाना ज़रूरी है भैया, रटने में कुछ समझ जाइए, आप समझ के चलिए आपको मज़ा आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आता हूँ गॉस थ्योरम। ठीक, तो ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं गॉस थ्योरम। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ गॉस थ्योरम की डेफिनेशन, कि गॉस थ्योरम होती क्या है, देखो आप पढ़ लेते हैं कि जीटी गॉस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू जीटी गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू क्यू इनटू 1 अपॉन एप्सिलॉन। कि जो हमने अभी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पढ़ा ई डॉट डी ए, या वो क्लोज सरफेस में, क्लोज सरफेस में एप्लीकेबल है, आप दिमाग में बिठा लीजिए गॉस थ्योरम। ठीक है, तो क्लोज सरफेस में जो टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एरिया, पासिंग थ्रू द सरफेस इज इक्वल टू द क्यू टाइम्स ओ क्यू इनटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मींस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें ये होती है हमारी गॉस थ्योरम, तो क्यू इज इक्वल टू फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हमें प्रूव करना है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप ये इसका आपको अगर डेफिनेशन लिखनी है तो ये डेफिनेशन लिख दी, बहुत सी बड़ी डेफिनेशन है, कहीं भी एप्लीकेबल है, उसका ये डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम बना लीजिएगा चार्ज इन दिस। तो ये बहुत ही बढ़िया सी है डेफिनेशन, आप लिखना हो तो आप लिख लीजिए। अब हमें प्रूव करना है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो जो हमें गॉस थ्योरम है। ठीक है, तो मैं मिटा देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट खींचना तो लीजिए। ठीक है, अब हम चालू कैसे करेंगे, देखिए हम चालू करेंगे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स से, कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो अभी हमने पहला पढ़ा वो होता क्या, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डी फाई ई किसके बराबर होता है, वो होता है ई डॉट डी। और यहाँ पे हमारा डायग्राम याद रखिएगा आप, यहाँ पे पहला डायग्राम ये जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया था, पहला डायग्राम बनाया था जो मैंने आपको यहाँ पे। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है ये, अब मैं जैसे यहाँ पे वेक्टर का फॉर्म हटाऊंगा, आप सबको पता है क्या आ जाएगा, ई डॉट डॉट हटाऊंगा जैसे ही, ये आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है भाई, अब आपको पता ही है कि थीटा कितना है यहाँ पे 0 डिग्री, क्योंकि कॉस 0 कितना होता है 1, 90 हो जाएगा तो फ्लक्स ही 0 हो जाएगा, वो जो कि हो नहीं सकता है, कॉस 0 का होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो फ्लक्स आया वो आया डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने मैं आपको सब वीडियो में प्रीवियस वीडियो में सब वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ कि हमें ये हमारा हैगा फॉर हम कहते हैं इसको, कहते हैं हम छोटा भाग इस तरह कहते हैं हम इसको। तो हमें अगर इससे हमें पूरे का चाहिए, हमें टोटल फ्लक्स चाहिए, फुल फ्लक्स चाहिए, ये क्या छोटा फ्लक्स है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो हम वही करेंगे कि हम इसमें इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो ई तो अपना बाहर आ जाएगा, ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ डी। चलिए, इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, फाई के बराबर, और इसका ई और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस एस होता है, इसे इंटीग्रेशन ऑफ डी ए होगा आपका ए। ठीक है, ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन।
बस अब आप इसमें पुट कर दीजिए और आपके पास एक सुंदर सा रिजल्ट आ जाएगा जो हमारे बॉस बाबा ने किया था कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाइव इज इक्वल्स टू ई। अब हमें पता है ई क्या होता है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट प्रीवियस वीडियो क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट एरिया। एरिया कितना है यहाँ पे सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है अपना पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर। ओ सॉरी, यहाँ पे हमें एरिया नहीं लेना, यहाँ पे सुनिए, एरिया नहीं लेना, ये आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, एरिया नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे सरफेस एरिया ऑफ। अब हमें पता है कि सरफेस एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, फोर पाई आर स्क्वायर। ओके देन पुट फोर पाई आर स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर फोर पाई फोर पाई, क्या बचा हमारे पास, फाइव इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो हमें प्रूव करना है। देखिए तो हमारी गॉस थ्योरम प्रूव हो चुकी है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देख लीजिए आप एक बार गौर से, बहुत इजी सी है, इसमें कोई ज़्यादा है नहीं। क्या हमें पहले हमें इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पता है कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स से चालू करने के इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, कॉस थीटा जीरो डिग्री होगा, अच्छे से पता है आपको, तो डी फाई ई डॉट डी ए हो जाएगा। हमें फुलटली चाहिए तो बहुत सारे इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन डी फाई फाई ई डॉट डी ए, डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए, और यहाँ पे ए सर्फेस एरिया का होगा, सर्कल का होगा फोर पाई आर स्क्वायर, और कैंसिल हो जाएगा वहाँ पास क्यू आएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गाइज ये हमारा ओवर करता है हमारा गॉस थ्योरम, हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, वो भी डेरिवेशन में आ सकती हैं इसकी एप्लीकेशन, तो वो हम और देख लेते हैं। चलिए अब इसकी एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में हमें दो चीज़ पढ़नी है, ठीक है। पहला है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। चलिए काम करता हूँ, टाइम बचाने के लिए मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, फिर हम इससे आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस ये देखिए, इसका मैंने सुंदर सा डायग्राम बना दिया है, तो आप ये डायग्राम बनाइएगा, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा इसमें, मैं ये गारंटी देता हूँ। तो आपको ये बनाना हो तो ये बना लीजिएगा। इसमें क्या है, ये देखिए अपन को क्या करना है, इसमें आप पहले सुन लीजिए कि अपन को क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टर, ठीक है। मतलब इंटेंसिटी इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है फॉर इन्फाइनाइटली, ये जो हमारा एक कंडक्टर है वो है इन्फाइनाइटली चार्ज लॉन्ग कंडक्टर, ठीक है ना, ठीक है। अब हमें पता है कि गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, तो हमने एक यहाँ पे क्लोज सरफेस बना लिया, मतलब इससे इतने अंदर के एरिया का, इसके लिए तो कोई है। अब गाइस इसकी जो थ्योरी लिखना है आपको इसके पहले बहुत बड़ी है, वो बोर्ड में नहीं आ पाएगी, तो मैं ऑलरेडी डिक्टेट कर देता हूँ, आपको लिखना हो तो आप लिख लीजिए, तो मैं बता देता हूँ आपकी। तो आपके अपन चालू ऐसे करेंगे, फर्स्ट अपन हेडिंग डालेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू द इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टर, उसके बाद आप लिखेंगे लेट एल is a long wire which is infinitely charged and we take a wire of a length L from dead wire and wish to draw the cylinder, a Gaussian surface. Let क्या बोला कि हमने एक लेंथ L, एक L लेंथ का हमने इस वायर में से एक L लेंथ का हमने क्या लिया, वायर लिया, उसमें हमें क्या करना है, हमें विश है। अब इसमें लिखा है विश मीन्स हम चाह रहे हैं, उसमें क्या चाह रहे हैं, फिर से सुन लीजिए आप लिखना है तो, let L is a long wire which is infinitely charged and we take a wire of a length L from that. इस वायर में से हमने स्मॉल लेंथ ली, एक L लेंथ का वायर लिया है, इसको कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो हमें गॉसियन सरफेस बनाया है हमने, इसमें गॉसियन सरफेस ऑफ अ रेडियस आर, यानी जो इसका जो रेडियस है सिलेंडर का वो है यार, एंड वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी ऑन द सर्फेस ऑफ द सिलेंडर। एंड हमें क्या करना है कि हमें जो पॉइंट पी है उस पर हमें तो फाइंड करना है इंटेंसिटी, ये पॉइंट क्या है पी, इस पर हमें फाइंड करना है कि अपनी इंटेंसिटी, ठीक है, ठीक है। अब तो लेट डेट द कंडक्टर इज हैविंग द चार्ज प्लस क्यू एंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो आपको ये लिख लीजिएगा थ्योरी। अब हम चलते हैं डेरिवेशन करने, अब हम इसके पहले करने वाले का, तो हमें पता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी किसकी डिनोट होती है, ये लैम्डा, तो लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। तो आपने थ्योरी लिख ली तो मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर हम डेरिवेशन चालू करते हैं। अरे ओके, एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गया, फिर हम इसको मिटा देंगे। अब देखिए ये पॉइंट पे हमें फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें इस पॉइंट पे फाइंड करना है,
ठीक है। अब आप बताइए हमें इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कब मिलता है, हमें इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जब भी मिलता है जब कॉस की वैल्यू 0 डिग्री होता है। तो इस सरफेस पर हमें कहाँ कहाँ मिलेगा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, ये हमें बहुत जानना जरूरी है। अब देखिए जो हमारा डायरेक्शन है ना इलेक्ट्रिकल फील्ड का, वो है डायरेक्शन ये हमारा डायरेक्शन किसका, इलेक्ट्रिकल फील्ड का, ठीक है। अगर अब मैं इसके सरफेस के यहाँ से देखता हूँ तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है एरिया का डायरेक्शन, तो ये हुआ है डायरेक्शन एरिया का। और जो हमारा डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो होगा ऊपर, मीन्स ये होगा 90 डिग्री, तो मुझे यहाँ पे फ्लक्स नहीं मिलेगा। इसी की तरह से अगर ये एरिया है और मैं उसको डाउनवर्ड से देख रहा हूँ और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो ये भी होगा 90 डिग्री, मतलब मुझे यहाँ पे फ्लक्स नहीं मिलेगा। तो इन दोनों सरफेस पे फ्लक्स होगा या कैंसिल, मतलब यहाँ पे हमें क्या नहीं मिलेगा, फ्लक्स नहीं मिलेगा। तो हमें मिलेगा कहाँ भाई, हमें मिलेगा इस सरफेस पे। देखिए अगर ये ऐसा सिलेंडर है, अगर ये यहाँ पे ऐसा सिलेंडर रखा है और मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ, तो मीन्स मतलब सिलेंडर आप मान लीजिए ऐसा रखा हुआ है, ये सिलेंडर ऐसा रखा हुआ है ऐसा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और मैं उसको उधर साइड से देख रहा हूँ तो मेरा डायरेक्शन भी वही है। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन, मेरा डायरेक्शन भी मैं इधर से देख रहा हूँ तो यहाँ, तो मीन 0 डिग्री। तो मुझे जो फ्लक्स मिलेगा वो सिर्फ यही पॉइंट पर मिलेगा। तो मैं इसको मान लेता हूँ φe1, φe2 और φe3। तो φe1 और φe3 पर मुझे फ्लक्स मिलेगा, 0 और φe2 पर मिलेगा मुझे फ्लक्स, ओके। तो मैं बस ये बताना चाह रहा था, मैं डायग्राम को मिटा देता हूँ क्योंकि ये आगे मैं आपको समझाऊंगा, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं मिटा देता हूँ फटाफट से। तब आपको लिखना है, तब आपको लिखना था टोटल फ्लक्स, अब आपको लिखना है क्या, चौक हमारी चौक गिर जाती है, ओके हाँ चौक और बड़ी लेंथ सी जी। अब हमें ऐसा लिखना है कि जो टोटल फ्लक्स है फाई वो किसके बराबर है, मैंने आपको पहले ही बताया वो है किसके बराबर, इंटीग्रल φe1 प्लस φe2 प्लस φe3 के बराबर। अब मैंने जैसे कि बता दिया कि φe3 और φe1 पे हमें फ्लक्स नहीं मिल रहा, मैं जो फ्लक्स मिलेगा वो हमें मिलेगा सिर्फ φe2 के बराबर, तो जो हमारा टोटल फ्लक्स मिलेगा वो हमें से मिलेगा e2 के बराबर। तो हम निकाल लेते हैं, तो जो φe है वो हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ E.ds, मीन्स जो हमारे फ्लक्स आ गया वो आ गया इंटीग्रेशन, और अगर यहाँ पे आप डॉट लगाएंगे वही डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे फिर आप डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे है कॉस थीटा 0 डिग्री, मीन्स जो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी E.ds। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन से बाहर इंटीग्रेशन ऑफ ds, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds हो जाएगा s, तो वहाँ पर जो आ जाएगा फ्लक्स वो आ जाएगा ES, शॉक ES। तो हमारे पास फ्लक्स आ गया फाई इज इक्वल टू ES, या हमारे पास आ गया टोटल फ्लक्स, ठीक है। अब जो हमारी जो सेकेंड अगली स्टेप होगी वो ये होगी कि अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम जो अपना फाई आता है, जो हमारा फ्लक्स आता है वो आता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ये आता है ना, आता है। और यहाँ पे एक चीज और करिएगा, ये होगा फाई और ये होगा ई एंड सरफेस। यहाँ पर उनको बताएं कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πrl, तो वो ये लिख दीजिए 2πr और ये होगा एल, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम आप ये लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट देन फाई, तो फाई की वैल्यू यहाँ से लगाइए आप, विच इज ई इंटू 2πrl विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन अपसलान। अब आप सिर्फ ई को सब्जेक्ट करिए, बाकी सब टर्म को नीचे ले जाइए क्योंकि हमें इंटेंसिटी निकालना है, तो हमने ई को सब्जेक्ट किया इंटेंसिटी को और सब चीज़ को नीचे लगा, तो ये होगा क्यू अपॉन अपसलान नॉट 2πrl। अब हमें जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था यहाँ पे कि जो अपना लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है क्यू अपॉन एल के बराबर, विच इज डिनोटेड बाय लैम्डा। तो जो हमारी सुंदर सी इक्वेशन फाइनल आ गई है, विच इज ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल हो गई आपकी लैम्डा, विच इज लीनियर चार्ज डेंसिटी विच इज इक्वल टू लैम्डा एंड विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 2πr। तो ये गाइस हमारे पास आ गई ये फर्स्ट इक्वेशन, ई इज इक्वल टू लैम्डा 2πr एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। तो हमने चेक भी कर लिया 2πr एप्सिलॉन नॉट r हमारी सही है, ठीक। तो हमारे पास ये आ गई सुंदर सी इक्वेशन, ई इज इक्वल टू लैम्डा 2πr एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। तो हमने कैसे चालू किया,
हमने पहले वो डायग्राम बनाया, उसमें हमें पता चला कि दो सरफेस पे हमें तो फ्लक्स मिल ही नहीं रहा, सिर्फ हमें एक सरफेस में मिलता है E2 पे, क्योंकि वहाँ पे कितना था डिग्री 90 डिग्री, 0 डिग्री था एंगल। उसके बाद हमने फाई को लिखा ES, जो हमें पता है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकाला हमने, सरफेस एरिया कितना था यहाँ पे सिलेंडर का 2πRL, और हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हमने फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हमने फाई ई की वैल्यू रख दी, और यहाँ पे हमने ई को सब्जेक्ट करा, और यहाँ पे हमारे पास ये पूरा डेरिवेशन आ गया। अब जो दूसरा चीज है, हमें फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इन्फिनेटली चार्ज पोटेंशियल। अभी हमने इन्फिनेटली लॉन्ग वायर पे किया था, लॉन्ग वायर पे, अब हमें पूरी प्लेन शीट पे इन्फिनेटली चाहे प्लेन शीट पे हमें फाइंड करना है। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आता हूँगा उसका डायग्राम बनाता हूँगा, फिर अपन उसका भी डेरिवेशन कर लेंगे।